कारवां टीवी हर पल आपके साथ। यूपी सिर्फ, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि यूपी जैसा स्टेट आगे आकर एक पॉलिसी सेट कर रहा है एंड इट इज द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन द कंट्री। मैं ये कभी चाहता ही नहीं कि हम बाहर जाके शूट करें। मैं हमेशा चाहता रहा हूँ कि शूट करें तो इंडिया में ही शूट करें, क्योंकि रेवेन्यू भी हमें मिलता है, सब कुछ हमें ही मिलता है। तो ये मेरी दरख्वास्त है और मैं पीछे पड़ा रहूँगा कि ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए हमारे लिए, भारत के लिए भी। फिल्म सिटी लाई जा रही है जी जी, आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत प्लान, बहुत ही अच्छा प्लान, लेकिन काफ़ी लोगों ने यही भी कहा कि फिल्म सिटी के साथ साथ मैं मानता हूँ कि यूपी इज़ अ फिल्म स्टेट, इज़ अ फिल्म स्टेट, इट्स नॉट अ फिल्म सिटी। तो हर स्टेट को, हर सिटी को उस स्टेट में बढ़ावा दिया जाए, टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए, खास करके यू नो जूनियर्स when it comes to light man, light assistants, ताकि हम यहाँ से छोटी सी छोटी यूनिट लेकर जाए। और सब्सिडीज उनके वजह से मिलना चाहिए कि अगर आप लोकल टैलेंट को अच्छा काम देते हो तो आपको ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। और वैसे ही, और अच्छी बात यह भी है कि OTT को भी इंक्लूड किया जा रहा है, टेलीविजन को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी टीम ने ये सोचा है और अंडर द गाइडेंस ऑफ महाराज जी। एंड तो सबसे पहले पूजनीय महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिल्म उद्योग को जितना सराहा है, फिल्म कलाकारों को, फिल्म के निर्देशक को, निर्माताओं को उन्होंने जितना हिम्मत दिया है शायद ही कोई दे सकता है। क्योंकि पूजनीय महाराज जी ने एक बात कह के हर बात का जवाब दे दिया कि कलाकार जो है, कला जो है, वो ईश्वर का वरदान है। इस तरह का भाव पूजनीय महाराज जी अपने मन में रखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम पे भी कलंक लगाया गया, उंगली उठाई गई, तो कहीं पे इस तरह की चीज़ें बायकॉट जो ट्रेंड चलता है उससे हम लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिल में हमारी इंडस्ट्री के लिए इतनी अच्छी भावना है, उन्होंने कहा कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि समाज को नया दिशा भी देने का काम करती है। और इसलिए लगातार उत्तर प्रदेश में उन्होंने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी दिया, उन्होंने सहयोग भी किया और साधन भी मुहैया कराया। तो इसके लिए पूजनीय महाराज जी को बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा प्रदेश है जिसको हम भारत का आध्यात्मिक खंड कह सकते हैं। भगवान कृष्ण वहाँ जन्मे, भगवान राम जहाँ जन्मे, और आज भी भारत के सारे तीर्थ, पहले तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, हिमालय तक एक था उत्तर प्रदेश, लेकिन आज भी जब दो हिस्से हो गए हैं, उत्तराखंड और ये बन गया अलग, उसके बाद भी आज भी गंगा जमुना उसके दरमियान एक फिल्म सिटी का प्रकल्प आ रहा है। ये अपने आप में बहुत ही अनोखा है। और जब बड़े बड़े राज्य में बड़ी बात हो रही हो तो उस बड़ी बात के तो बड़े ही चर्चे होंगे, तो आज उसी चर्चे का हिस्सा बनने सब लोग आए हुए थे। डायरेक्टर भी आए हुए थे, एक्टर भी आए हुए थे, प्रोड्यूसर भी आए हुए थे, इतने टर आए हुए थे, एक्टर, डायरेक्टर और कौन से टर, टीचर, वो और कोई दिक्कत नहीं है। पहले बड़ी मुश्किलें होती थी लेकिन अब परमात्मा ने ऐसा एक मुख्यमंत्री बिठा दिया है जो संत भी है, सिपाही भी। कि मेरे पिताजी जो है वो यूपी के हैं और मेरी मम्मी उत्तरांचल की है, लेकिन पैदा हुई थी और पहली बड़ी थी महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो मेरा महाराष्ट्र से भी नाता है, मेरा यूपी से भी नाता है, उत्तराखंड से भी नाता है। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो प्रदेश उत्तर प्रदेश और हमारा प्रदेश महाराष्ट्र आपस में जुड़ रहा है। और केवल महाराष्ट्र नहीं जुड़ रहा, क्योंकि जब अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी जब बनेगी तो उससे पूरे भारत की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो हैदराबाद की हो, चाहे वो चेन्नई की इंडस्ट्री हो, चाहे वो केरला की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, उन सबको एक और जगह मिलेगी भारत में जहाँ पे वो सुचारू रूप से शूटिंग कर सकते हैं, एक पूरा प्रोजेक्ट को लेकर जाकर वहाँ पे संपन्न कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और योगी जी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, खास करके पूरे फिल्म जगत के लिए अच्छा है, बॉलीवुड के लिए बहुत ही अच्छा है। फिल्म सिटी की भी बात हुई, बहुत ही अच्छा था और इंडस्ट्री काफ़ी खुश है यहाँ मिल के योगी जी को। और जो उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस बोला फिल्म शूटिंग के लिए, बहुत ही अच्छा है और मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इनिशिएटिव। कारवां टीवी
हर पल आपके साथ।